हम करने वाले केदारनाथ की ट्रैकिंग। भाई तुम्हें मैं वहाँ पे सारी जो कंपलसरी चीजें हैं, मतलब जो जो आपको उधर ट्रैकिंग में जरूरत पड़ेगी, क्या क्या उधर कंपलसरी है, क्या क्या कंपलसरी नहीं है, तो भाई उनको मैं ये चीजें सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बस भाई हम सारा ये सामान ले जा रहे हैं, शूज भी कंपलसरी, कोई भी जा रहा है भाई शूज बढ़िया रखना, मतलब तुम्हारे पैर में दर्द हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शूज बैग कंपलसरी वाली चीजें बता रहा हूँ, शूज बैग और अपनी मेडिसिन और रेनकोट और अपने शूज कवर, भाई ये कंपलसरी रखना। हेलो गाइस, सब कैसे हो, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, पहले सबको मेरी तरफ से हरन महादेव, जय श्री शंभू, जय श्री केदार, है ना। तो भाई आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया, भाई जो नई ऑडियंस है ये मैं उनको भी बता दूं, भाई उन्होंने थंबनेल, भाई थंबनेल देखकर ही व्लॉग खोला होगा जो नई ऑडियंस होंगी, और जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनको भाई मैं ये बता दूं कि हम करने वाले केदारनाथ की ट्रैकिंग। भाई हर एक सनातनी का, हर एक हिंदू का सपना होता है कि भाई केदारनाथ जाना है। और भाई कहते हैं ना, मतलब मेरी तरह एडवेंचरस लोग जो होंगे ना, जो एकदम कहते हैं ना, जिनके खून में एडवेंचर हो एकदम मज़ेदार वाला, तो भाई मैं बताता हूँ वो क्या करेंगे। वो करेंगे उधर जाके कैंपिंग, जो हम करने वाले हैं भाई, हम उधर करेंगे सेल्फ कैंपिंग, मतलब खुद का खाएंगे, खुद का पियेंगे, क्या क्या करेंगे। और हाँ, नई ऑडियंस को मैं ये भी बता दूँ कि भाई तुम्हें मैं वहाँ पर सारी जो कंपलसरी चीज़ें हैं, मतलब जो जो आपको उधर ट्रैकिंग में ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या उधर कंपलसरी है, क्या क्या कंपलसरी नहीं है, तो भाई उनको मैं ये चीज़ें सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बस व्लॉग पूरा शानदार जानदार रहने वाला है, बस व्लॉग के लिए थोड़ा टाइम निकालना, टाइम मीन्स 10 मिनट का व्लॉग रहने वाला होगा, 10 से 15 मिनट का, बस 10 से 15 मिनट देखना, बिना स्किप करें, वरना कुछ जरूरी बात भी भूल गए ना तो भाई तुम मुझे बोलोगे, इसलिए कह रहा हूँ भाई व्लॉग को बिना स्किप करे पूरा देखना। भाई मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूँ, और तुमने इंट्रो में तो देख ही लिया होगा, भाई हम सारा ये सामान ले जा रहे हैं क्योंकि हमने उधर करनी है सेल्फ कैंपिंग, और ट्रैकिंग का भी भाई मैं तुम्हें सारा दिखाऊंगा, सामान क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई कई फैमिलीज भी उधर जाना चाहती हैं, तो भाई फैमिलीज तो उधर भाई कैंपिंग कर नहीं पाएगी, अगर कैंपिंग करेंगी तो भाई मैं तुम्हें दिखाई दूंगा, अगर नहीं करेंगी तो भाई मैं तुम्हें ये मेन मेन चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि मैं भी जा ही रहा हूँ यार केदारनाथ, क्योंकि जब भी मेरा व्लॉग आ रहा होगा मैं शायद ट्रैकिंग कर चुका हूँ या फिर कर रहा हूँ, कुछ कह नहीं सकता, है ना। तो भाई व्लॉग को बस बिना किसी तरीके शुरू करते हैं, जब मेरे व्लॉग पे नया व्लॉग को कर दो लाइक, और एक कर दो प्यार से कमेंट, और एक कर दो सब्सक्राइब, जो भाई जिसके फ्री में होता है भाई वो सब्सक्राइब का बटन नीचे लाल कलर का आ रहा होगा, फ्री में होता है, एकदम फ्री में, भाई एक बार दबा दो, तुम्हारा कुछ जाना नहीं, मेरा कुछ नहीं यार, मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, तुम्हारा वैसे कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो भाई अब व्लॉग को फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई ये कुछ है, हम जो ट्रैकिंग पे ले जाने वाले हैं केदारनाथ की ट्रैकिंग में, भाई इसमें कैंपिंग का भी सामान है मेरा, और भाई ट्रैकिंग का भी इसी में सामान है, ट्रैकिंग है भाई फिलहाल, अभी मैं आपको शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं मेन चीज से, वो है भाई सबसे जरूरी, हमारे ट्रैकिंग बैग पर आते हैं, कैंपिंग बैग पर आते हैं, भाई आपको ये दिखाता हूँ, भाई ये चेक करो कैंपिंग बैग जिसमें हमारा है, मतलब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि भाई ये जो मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, ये जो आप सारा सामान देख रहे हो, भाई पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि भाई ये सारा सामान तुम्हें किन्हीं लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ये ना भाई ये सामान एक्चुअली में ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरा अकेले का तो सामान नहीं है, क्योंकि इसमें इसी सामान में 4 लोग और जा रहे हैं, मतलब उनके घर में भी है सामान, मतलब यहाँ से वो सामान और लेकर गए हुए हैं। तो मैं आपको पहले यहाँ से बताता हूँ, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो सारी मैंने रख रखी है, क्योंकि मैंने आपको दिखानी थी ये चीज़ें, मैं कहा भाई पहली बार जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस तो भाई शेयर करना तो बनता ही है ना। तो भाई सबसे पहले हम आते हैं ट्रैकिंग बैग पे, जो फिलहाल भाई ये रहा, इसमें हम रखेंगे 2 जने सामान, तो ये 2 जनों के हिसाब से भाई ये हमने ये कुछ ये वाला ट्रैकिंग बैग लिया था, आप देख ही लो भाई साहब, ये देख रहे हो कितनी सारी जेबें वगैरह सब कुछ है पूरा, मतलब कहते हैं ट्रैकिंग वाला बढ़िया वाला बैग है, बढ़िया क्वालिटी का एकदम। तो भाई ये इसको रखते हैं साइड में, ये हमारे पहले आ जाते हैं ट्रैकिंग बैग, मतलब भाई ट्रैकिंग में जाने तो भाई बढ़िया बैग तो लेना बनता है, क्योंकि भाई बीच में अगर धोखा ले गया भाई, वहाँ जहाँ भी ऐसी जगह पे नहीं, भाई बीच में अगर धोखा दे गया तो भाई कुछ कह नहीं सकते, राम भरोसे। और भाई अब ट्रैकिंग बैग के बाद आते हैं मेन चीज़ पे, जो हम कैंपिंग वालों को बहुत मेन पड़ता है भाई, कैंपिंग उसके बिना हो ही नहीं सकती वो चीज़ है भाई, ये टेंट, ये मेन चीज़ है भाई, ये टेंट देख रहे हो, और ये भी भाई मैं तुम्हें बता दूँ, ये मेरे अकेले का टेंट नहीं है, ये 4 बंदों का टेंट है, मतलब हमने ऐसा टेंट ले रखा है जिसमें 4 बंदे आराम से आ सकते हैं, भाई आप ये देख सकते हो, ये देखो ये 4 बंदों का इधर टेंट है, और 4 बंदे इधर इसमें आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर वाले, मतलब जब ये खुलेगा ना तो ये इस कमरे से भी बहुत बड़ा होगा ये टेंट, बाकी ये टेंट भी है, और हमने इस टेंट पे मद्देनजर रखते हुए हम भैया से हमने कंफर्म किया था, भैया वाटरप्रूफ है, भैया कहते हैं हाँ ये थोड़ी बहुत बारिश तो झेल ही लेगा, जैसे हैवी अगर उसका स्नोफॉल हो गई कुछ हो गया तो भाई तो ये नहीं झेल पाएगा, तो ये नहीं झेल पाएगा, तो इसीलिए हमने फिर हमने अपनी एक नई तरपाल भी ली थी भाई,
ये देखना भाई, ये हमने कुछ तिरपाल लिया है जिससे हम अपना पूरा टेंट कवर कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। तिरपाल वैसे लेना कंपलसरी है क्योंकि यार मतलब जो बढ़िया बढ़िया टेंट होते हैं ये भी बढ़िया ही टेंट है, मतलब जो महंगे महंगे एकदम प्रॉपर वाले टेंट होते हैं ना भाई वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं भाई मैंने टेंट लिया है चार जनों का और एक तिरपाल लिया, वरना अगर महंगे टेंट लोगे तो उसी के साथ तुम्हें दो मिलेंगे, मतलब डबल लेयर मिलेगा जिसको कहते हैं भाई डबल लेयर, डबल लेयर तुम्हें टेंट मिलेगा, एक में उसके ऊपर और जब बारिश आ जाए तो एक उसके ऊपर एक और तुम लेयर डाल सकते हो, सिंगल लेयर का वैसे रहता है और एक और लेयर साथ में मिलती है। और उसी के साथ हमने भाई इस बैग को भी वाटर प्रूफ है वैसे भाई ये बैग, पर हमने इसको डबल वाटर प्रूफ बनाया है। तो भाई हमने ये कुछ खरीदे हैं भाई पॉलीथीन, जो भाई बड़ी बड़ी ब्लू कलर्स की पॉलीथीन नहीं आती भाई, जो जैसे डिस्पोजल वगैरह मतलब फेंकने के लिए काम आती है, तो भाई वो हमने इन चीज़ों को काम में लिया है, मतलब इस बैग पर पूरी कवर हो जाएगी, कम से कम मेरे इतनी होगी वो पन्नी, तो भाई पूरा बैग कवर हो जाएगा। अब बैग हो गया, अब भाई टेंट भी हो गया और भाई तिरपाल वगैरह मैंने आपको दिखा दी, अब मेन चीज़ पे आते हैं भाई, वो हमने लिया है ये रेनकोट भाई, यहाँ से जा रहे हो तो भाई रेनकोट जरूर लेकर जाना भाई, लोगों की मैंने कई वीडियोस में देखा भी है कि वहाँ भाई सोनप्रयाग में गोरीकुंड में रेनकोट मिल रहा है, पर कहते हैं ना भाई ऊपर जाते जाते डबल ट्रिपल रेट हो जाता है और उनसे कह भी नहीं सकते कि भाई कि रेट कम करो भाई, क्योंकि नजायज है भाई ऊपर जाते जाते बहुत महंगा हो जाएगा। तो बाकी ये रेनकोट लिया हमने, रेनकोट के साथ साथ हमने ए भाई ये शूज कवर भी लिया, ये देख रहे हो मतलब भाई ट्रैकिंग शूज कह सकते हैं, वैसे यार मैंने ट्रैकिंग शूज नहीं है नॉर्मल मेरे न्यू शूज हैं भाई, अगर ट्रैकिंग कर रहे हो ना वहाँ पे तो भाई एक चीज बता दूँ, शूज बढ़िया रखना वरना पैरों पे ऐसे ऐसे छाले बढ़ेंगे ना तुम्हारे, छाले कहो दर्द कहो भाई बहुत दर्द होगा, चला नहीं जाएगा। और उधर उधर लिखा है कि भाई 26 किलोमीटर की चढ़ाई है, पर वो 26 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं है, वो 24 से 25 किलोमीटर की चढ़ाई है। और बढ़िया हमने ध्यान रखते हुए भाई शूज लिए हमने नए, शूज लेने के बाद हमने उनका ध्यान रखते हुए भाई शूज कवर, जो भाई अगर इसके ऊपर हम डाल देंगे ना तो पूरा वाटर प्रूफ रहेगा शूज हमारा, बाकी खच्चर वगैरह की भाई पोटी वगैरह होती है वो लगती है, इसलिए हमने ये भी ले लिया साथ में है ना। तो अब बाकी अब इसको रखते हैं साइड में, आपको हो गया। अब बाकी जो मेन चीज़ है भाई जो कंपलसरी है ले जाना भाई, दवाइयाँ तुम जरूर लेकर जाना, कोई भी बंदा अगर मैं कहूँ भाई जो भी बंदा जा रहा है ना, दवाइयाँ, शूज कवर, रेन कवर भाई, एक बढ़िया सा बैग, रेनकोट, मतलब भाई बढ़िया बढ़िया शूज लेना अपने, और बाकी और चीज़ें भी दिखाता हूँ तुम्हें। और ये देखो भाई ये हमने कुछ दवाइयाँ ले रखी है जो हम अपने साथ कैरी करेंगे, मतलब ये हमने डोज बनवा के लेकर आए थे एक्चुअली, क्योंकि कंफर्म है कि भाई हमें फीवर होगा, हम दिल्ली में इस समय रहते हैं भाई, दिल्ली में इतना हाई टेम्परेचर है गर्मी से, तो भाई उधर केदारनाथ में तो बहुत ठंड पड़ रही है, तो इसी पे ध्यान रखते हैं, हमें पता है कि भाई हम नहीं झेल पाएंगे इतनी ठंड, दवाइयाँ लेकर चल रहे हैं हम अपने साथ, बाकी भोले बाबा हमारा ध्यान रखेंगे ही है ना, तो दवाइयाँ लेकर चल रहे हैं अपने साथ। इन दवाइयों को जब हमें मतलब इसमें पेट डायरिया की मतलब लूज मोशन की और फीवर की सिरप वगैरह सब कुछ है ना, ये देखो ये रहा सिरप। बाकी एक और चीज़ ये भी है कंपलसरी, शूज़ भी कंपलसरी, कोई भी जा रहा है भाई शूज़ बढ़िया रखना, मतलब तुम्हारे पैर में दर्द हो जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शूज़, बैग, कंपलसरी वाली चीज़ें बता रहा हूँ, शूज़, बैग और अपनी मेडिसन और रेनकोट और अपने शूज़ कवर भाई ये कंपलसरी रखना, क्योंकि शूज़ में भी पानी भर जाएगा अगर उधर बारिश हुई। और हाँ भाई एक और बात बता दूँ, आज है भाई 23 तारीख और जब ये ब्लॉग आ रहा होगा शायद 25 या 26 तारीख को आएगा ये ब्लॉग। अब बाकी भाई तुम्हें थोड़ी बहुत और दिखा दी भाई कंपलसरी चीज़ें, और हाँ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी मेन चीज़ जो है भाई गैस स्टोव, जो भाई हर कैंपिंग वाला तो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उधर भी मिलता है भाई, हमने कहा कैंपिंग कर रहे हैं पहली बार तो कुछ अलग, कुछ कहते हैं ना शैतानी खतरनाक तरीके से कैंपिंग करेंगे, तो भाई हम सोच रहे हैं खाना भी हम मतलब खाना तो उधर खाएंगे, मतलब इन्जॉय करने के लिए साथ में ले जाने के लिए एक बार पहाड़ों की वादियों में खुद का बनाया हुआ खाना है ना ये, और भाई ये चेक करो भाई ये तीनों चीज़ें हमें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये वैसे भाई कैंपिंग वाला बंदा ले जा सकता है अगर ले जाना चाहे भाई, छोटा सा गैस स्टोव जो फोल्ड होने के बाद इतना सा हो जाएगा। और ये भाई ये गैस बुटेन नॉर्मल गैस नहीं है, जो भाई घरों में LPG यूज़ होती है वो नहीं है, ये बुटेन सिलेंडर है जो भाई खास पहाड़ों के लिए मतलब ठंडी जगहों के लिए बना रखा है ताकि गैस जमे ना, वरना वो LPG होती है भाई ये सब होती है ना जमने लग जाती है तो ये जमेगी नहीं। बाकी एक फ्राई बन बढ़िया सा कच्ची है ना, बाकी हमने भाई दो सिलेंडर लिए हैं और भाई एक गैस स्टोव लिया है ठीक है। अब भाई आपको गैस स्टोव दिखा दिया, खाने पीने का दिखा दिया, खाने पीने का हो गया, अब मैं आपको जो रहा हूँ मुझे नजर आ रहा है मैं वो दिखाता हूँ। हाँ भाई टेंट के अंदर मेन कैंपिंग वाले बंदों के लिए मैं बता रहा हूँ,
भाई मैट जरूर ले जाना, क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ। देखो जैसे ये बोतल है ना पानी की, तुम पानी भरते होगे, तुम्हें पता होगा भाई ठंडा पानी और बाहर अपने आप पानी बाहर आने लग जाता है, तो भाई वही टेंट में सीन होगा। अब बाहर टेंट ठंडा होगा और अंदर पानी ओस अपने आप जमने लग जाएगी, तो भाई तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए कह रहा हूँ भाई अपना साथ में मैट्रेस जरूर लेकर चलना, क्योंकि मैट्रेस के ऊपर अगर तुम वो बिछाते हो क्या कहते हैं बेडशीट एक ले जाना अपने साथ, बेडशीट बिछाते हो और उसके साथ मैट्रेस तो हो गया। अब भाई तुम्हें मेन चीज दिखाता हूँ कैंपिंग वालों के लिए, ये देख लो भाई, ये है भाई स्लीपिंग बैग। कैंपिंग वाले भी ले जा सकते हैं, नॉर्मल बंदे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि बढ़िया चीज है। वैसे नॉर्मल बंदे मतलब कह सकते हैं फैमिली वाले जिनको होटल वगैरह उधर लेना तो उधर तो कंबल मिल ही जाएगा। कैंपिंग वगैरह के लिए भाई वैसे कंपलसरी है, क्योंकि ठंड होती है, ये मतलब ना कि ठंड नहीं होगी, ठंड होती है भाई, कपड़े भी कम पड़ जाएंगे इतनी ठंड होती है उधर। ठीक है भाई, बाकी मैंने दो स्लीपिंग बैग रखे, इसमें चार बंदे हम एडजस्ट करेंगे, बाकी अब मैं यहाँ पे स्लीपिंग बैग खोलूंगा तो भाई पूरा मेरा व्लॉग यहीं का बन जाएगा। ठीक है, स्लीपिंग बैग और मैट्रेस, तब जाके हमारी थोड़ी ठंड रुकेगी और नहीं रुकेगी कुछ कह नहीं सकते, वो ऊपर के टेम्परेचर के हिसाब से है ना। तो भाई अभी मॉनसून भी फिलहाल चालू हो गया है, अच्छा आज 23 तारीख है, 2-3 दिन बाद में तो भाई मॉनसून भी चालू हो गया है, और ऊपर से भाई तभी हम इतना सारा रेनकोट वगैरह लेकर जा रहे हैं, तिरपाल, रेनकोट, पन्नी भाई, वाटर प्रूफ वाले शूज अपना भाई, ये बहुत चीजें हैं, पर मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। हाँ, अब हम मेन चीज पर आते हैं, मेन चीज पर आते हैं, वो है भाई क्लोथ्स। तो मैं कपड़े दिखाता हूँ बढ़िया से बढ़िया, मतलब कपड़े भेज थोड़ी रहा हूँ भाई, मैं पत्ती खा रहा हूँ। हाँ, मैं पहले तुम्हें मेन चीज बता दूँ कि भाई मेरे कितने दिन की ट्रिप रहने वाली है। मेरी ट्रिप रहने वाली है 5 to 6 days की ट्रिप मेरी रहने वाली है, जिसमें से भाई मैं आपको ट्रेन के कपड़े बताता हूँ। केदारनाथ में मेरा स्टे करने का भाई 2 से 3 दिन है, 2 से 3 दिन में केदारनाथ में स्टे मारूंगा शायद, है ना। बाकी ऊपर भोले बाबा की मर्जी है कितने दिन हम रुकते हैं कितने दिन नहीं रुकते, क्या पता हम एक दिन में आ जाए, क्या पता हम 10 दिन में आए, है ना। बाकी भाई एक हुडी, गरम हुडी एकदम भाई, एकदम गरम हुडी है, गरम हुडी, और अपने साथ एक हुडी लोको मतलब अपने साथ एक हुडी लेकर चलो लोको कह रहा हूँ, और ये अपनी भाई गरम वार्मर टी शर्ट, भाई देख रहे हो कितनी गरम है, ये चेक करो ये लोगों कितनी गरम टी शर्ट है ये, और अपनी एक गरम स्वेटर, और बाकी भाई अंदर पहनने के लिए इनर, ठीक है इनर भाई ये ले जा रहा हूँ, और अपने साथ ये तो ले जा रहा हूँ, और साथ में 2 जैकेट भी ले जा रहा हूँ भाई, ये देखो ये भाई ये 2 जैकेटें भी लेकर जा रहा हूँ, 2 जैकेट हो गई भाई, स्वेटर्स हो गई, सॉक्स है ना, बाकी भाई अपने आप में भी दिमाग हो गई थोड़ा बहुत, आप भी ले जाओगे अपने साथ, जो मैं कुछ भूल रहा हूँ वो सब मुझे कमेंट में बता देना, वैसे यार मैं वहाँ पे होऊंगा, कमेंट में बताने का फायदा नहीं है ना। बाकी अब मेन चीज पर आते हैं भाई, मैंने बताया था ना हम 4 जने जा रहे हैं, तो चारों के लिए एक एक फोन कवर वाटर प्रूफ के लिए, क्योंकि भाई बार बार जेब में रखेंगे निकालेंगे वो होगा, रेनकोट में पता नहीं पॉकेट होगी नहीं होगी, वैसे रेनकोट में पॉकेट है ना, पर फिर भी हमने गले में टांग के फोन रख के, क्योंकि हमको पता ही है हम जा रहे हैं वहाँ व्लॉगिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो व्लॉगिंग भी कंपलसरी है हमारे लिए, आपके लिए है या नहीं मुझे नहीं पता, आप भी व्लॉगर हो या नहीं हो एक कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, बाकी हम आते हैं भाई कैंपिंग में, कैंपिंग में तो भाई देख लो ये सब हो गया, अब मैं कैंपिंग की तुम्हें दिखाता हूँ भाई टॉर्च जो हम लेकर जा रहे हैं भाई। फिलहाल हम ये दो टॉर्च ले जा रहे हैं, ये देखो भाई ये इसकी ये किट है, ठीक है ये 2 टॉर्च ले जा रहे हैं, जिसमें से भाई अब आपको अगर 2 क्यों एक क्यों नहीं ले जा सकता मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे सबर रखो। ठीक है, ये तो 1 टॉर्च है, ठीक है ये अभी मैं आपको जला के दिखाता हूँ भाई, ये चेक करो देख रहे हो है ना, फिर खतरनाक, इसको रखते हैं साइड में। अब ये क्या है अभी देख रहे हो, पास आओ के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो भाई ये चेक कर रहे हो, ये जो है ना ये इसीलिए टेंट में ऊपर होल दे रखा होगा, होल नहीं मतलब हुक दे रखा होगा, हुक में ऐसे अटका के टेंट के अंदर मतलब रोशनी हो जाएगी उसके लिए। बाकी अब रात को वॉशरूम वगैरह जाना हो उसके लिए भी हमने कहा भाई इतना कर रहे हैं तो भाई मन नहीं मारना, हमने कहा ये भी ले ही लेते हैं भाई, ये टॉर्च है फिलहाल है ना, दे आपको दिख ही रहा होगा भाई, जब चलाऊंगा तो कैसे दिखेगा ये देखो, ओ भाई देख रहे हो जूम इन जूम आउट वाली। और बाकी एक मोड, इसके भी काफी मोड है टॉर्च के, एक मोड, 2 मोड, ये भाई देख रहे हो कैंपिंग के लिए मतलब ऊपर ऐसे लटकाने के लिए कैंप के लिए। अब मैं आपको भाई इसका कार्ड दिखाने लग गया भाई, ले जाना हो तो भाई तुम भी ले जा सकते हो टॉर्च वगैरह, वैसे कह रहे हैं कि भाई केदारनाथ में लाइटिंग अच्छी है, मतलब रात में भी अगर तुम ट्रैकिंग करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि लाइट अच्छी है उधर वहाँ पे। अब बाकी भाई उधर जाके मुझे पता चलेगा है ना। और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, तुमने
भाई अगर देखो मैं केदारनाथ चला गया ना तो मेरे केदारनाथ के व्लॉग आएंगे, ये व्लॉग शायद अभी आ जाएगा दो चार दिन में, 26 तारीख तक। आज तो वैसे भाई 23 तारीख है, 26 तारीख तक मैं डाल दूंगा ये व्लॉग, है ना। तो भाई बाकी जो मेरे केदारनाथ के व्लॉग आएंगे वो आएंगे 1, 2, 3, 4 ऐसी कुछ 1 तारीख से आना चालू होंगे, क्योंकि भाई 30 या 1 तारीख को तो मैं ही घर आऊंगा, 1 या 2 तारीख से व्लॉग आना चालू होंगे। जो भी मैं मेरे साथ इंस्टा पे मतलब ज्वाइन है मतलब अटैच है उसको मैं ये बता दूं कि भाई मैं इंस्टा पे एक्टिव रहूंगा बिल्कुल, जो भी चीज़ करूंगा जो भी नहीं करूंगा भाई मैं इंस्टा पे हाथ के स्टोरी लगाता रहूंगा हाथ के। और भाई जिसको भी केदारनाथ की आरती अटेंड करनी हो तो भाई मेरा नीचे इंस्टा का पेज आ रहा है, ठीक है, इंस्टा का पेज आ रहा है गितेश14 नाम से, मेरी आइडिया _गितेश_14 है ना, तो ये मेरी इंस्टा आइडी है, फॉलो कर देना। और जब भी मैं इंस्टा पे लाइव आऊँगा मैं आरती दिखाऊंगा तो भाई आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, या फिर फॉलो भाई देखिए फॉलो कर रखा होगा तो पता ही चल जाएगा तुम्हें। अब बाकी है भाई मैं आपको बताता हूँ व्लॉगर के लिए, भाई मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, एक है मेरा ये गिम्बल, ठीक है ये गिम्बल, बाकी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। भाई देखो मैं टेंट में रुकने के लिए मैं कह रहा हूँ टेंट में मैं रुकूंगा तो भाई मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि भाई टेंट में मेरे पास बिजली तो होगी नहीं, तो उसी हिसाब से भाई हम पावर बैंक वगैरह भी ले जा रहे हैं, मैं 2 पावर बैंक ले जा रहा हूँ इसमें फिलहाल, एक है ये देखो इसमें मेरी केबल पेन ड्राइव वगैरह बाकी सारी एसेसरीज वगैरह ये रख रखा है, ठीक है, बाकी ये पूरी किट बना रखी है मैंने। और भाई और क्या चीज़ है भाई, हाँ भाई ये देख रहे हो साइड बैग, साइड बैग भी ले जा रहे हैं अपने साथ, और ये स्टैंड दिख रहा है, ये स्टैंड भी ले जा रहे हैं, और बाकी भाई काफ़ी चीज़ें। अब आपको चड्डी बना तो दिखाऊंगा नहीं, है ना, तो भाई वो तो भाई कंपल्सरी ले जाना, वो तो भाई आपको ही पता होगा, है ना। तो भाई हम तो है ही नौजवान बंदे, हमें किस चीज़ की जरूरत, मैं तुम्हें पहली बार बता देता हूँ कंपलसरी चीज़ एक बार मैंने, क्योंकि अब सारी चीज़ें तुम्हें दिखा दी, हम जो ना दिखाई हो भाई उसके लिए माफ़ करना, या फिर मुझे कमेंट में बता देना नेक्स्ट टाइम से, वो मैं अपने पास रखूँगा। तो भाई पहले आती है हमारी रेनकोट जो बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है, दूसरा आता है हमारा शूज़ कवर, क्योंकि उधर भाई खच्चर वगैरह बारिश वगैरह में शूज़ तो भाई, और सबसे मेन चीज़ भाई पैरों की है, अगर पैर ही हमारे कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो भाई फिर तो भाई देख चढ़ाई करना मुश्किल है, तो एक बढ़िया सा शूज़ ले लेना, ठीक है, रेनकोट शूज़, और ये भाई ठंड के कपड़े अपने साथ जरूर रखना कोई से भी सीजन में जा रहे हो, अभी तो फिलहाल मानसून चल रहा है तो अभी ठंड थोड़ी उधर कम होगी बारिश के चक्कर में, तो भाई अपने साथ मेडिसिन जरूर कैरी करना, मेडिसिन हो गई मूव हो गई भाई स्प्रे हो गई जो अभी फिलहाल मैं लेकर आऊँगा भी नहीं है, बाकी भाई और चीज़ें भी हैं लाइट वगैरह टॉर्च वगैरह सब अपने साथ कैरी रखना, ठीक है। बाकी अब बाकी मैंने आपको दिखा दिया, और अपने आप बढ़िया क्वालिटी का बैग रखना, और क्या दिखाने वाला, और कोई चीज़ नहीं है दिखाने वाली। तो भाई अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, हम जा रहे हैं केदारनाथ, बस कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना जिससे पता चले हाँ भाई मेरे लोग देखने वाले हैं मेरी केदारनाथ की सीरीज, भाई देखना तुम पसंद करोगे ना जरूर मेरे को इस व्लॉग में बता देना, क्योंकि बहुत जहर जहर बहुत मेहनत करूंगा, मतलब उस टाइम में मैं केदारनाथ पे हूँ जिस टाइम में व्लॉग आएगा, थोड़ा सा भाई कमेंट कर देना प्यारे प्यारे, अगर मैं पढ़ूँ तो थोड़ी मोटिवेशन आ जाए। बाकी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, होप करता हूँ आपको मेरा आज वाला व्लॉग भी अच्छा लग रहा है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे न्यू व्लॉग के साथ, कल सुबह नहीं काफी दिनों बाद मिलेंगे अभी, है ना, तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।